हेलो फ्रेंड्स एंड माय स्टूडेंट्स, अभी जो एक्सरसाइज आपको सिखाई जाएंगी वन से टेन तक है। इन एक्सरसाइज में कम्प्लीटली आपको काफ़ी हद तक अक्सर सिखाने की कोशिश की गई है। इसमें जितने भी टेबल्स हैं वो हमारे डिजाइनिंग से, इसके अंदर आप अलग अलग तरीके से फॉर्मूलेस वगैरह अप्लाई कर सकते हैं। साथ में क्वेश्चंस भी दिए गए हैं, उनको भी सॉल्यूशन समझाया गया है कि किस तरीके से फॉर्मूला आप अप्लाई करते हैं। क्योंकि जब तक आपको वो प्रैक्टिकल नहीं मिलता है आपको एक्सरसाइज सीखने का कोई फायदा नहीं होता। क्योंकि जहां भी जॉब वगैरह में जाते हैं या फिर कुछ भी अपना प्रोजेक्ट वगैरह क्रिएट करते हैं या कुछ भी वर्क करते हैं इस पर, तो आपको प्रैक्टिकल की अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। प्रैक्टिकल जितना अच्छे से आपका बेस आपका स्ट्रांग होगा उतने अच्छे से आप वर्क कर पाएंगे। अगर आप बीच में से मिड में से कहीं मेरी एक्सरसाइज देख रहे हैं तो आप स्टार्टिंग वन वाले से स्टार्ट करिए, और अगर आप एंड से देख रहे हैं तब भी आप वन से लेकर या प्रीवियस वीडियोस भी आप देख सकते हैं। इस हर जो वीडियोस है उसमें बहुत अच्छे से क्लास को एक्सप्लेन किया गया है कि किस तरीके से जो एक्सेल है उसमें किस तरीके से वर्क करते हैं, किस तरीके से हम एक एक फॉर्मूलेस को एक्सप्लेन किया गया है। तो जितने भी वीडियो है बहुत ही ध्यान से स्टार्टिंग टू एंड देखेंगे तब भी फायदा है, अदरवाइज कोई इसका यूज नहीं है। क्योंकि आप देख के रफली आगे के कर देते हैं और उसका प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब भी कोई यूज नहीं। तो जितना देख रहे हैं आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए ताकि आपकी नॉलेज गेन हो, और हर एक चीज के नोट्स बनाइए। नोट्स बनाने से आपका बेनिफिट ही होगा, कभी भी प्रैक्टिकली आपको कहीं भी जॉब वगैरह में रिक्वायरमेंट है तो आप उनको अच्छे से समझ के उसको अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी तरीके से मॉडिफाई करना है। तो चलिए हम चलते अपनी वीडियो की तरफ कंप्यूटर स्क्रीन पर। स्टूडेंट्स, हम आ गए हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4। जितने भी आपको एक्सरसाइज कराई जा रही है आप इनकी प्रैक्टिस करिए, अपने डेटा से करिए, हमारे दिए हुए डेटा से करिए, जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। अभी हम चलते हैं इनके क्वेश्चंस पर। क्वेश्चंस जो है ये 10 क्वेश्चंस है। आप जैसे जैसे क्वेश्चंस बताए गए इनको बहुत अच्छे से ध्यान से प्रॉपरली करेंगे, समझ के पढ़ के, तो आप एक्सेल को बहुत परफेक्टली सीख सकते हैं। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ क्वेश्चन इन द अबव। इसके लिए टोटल निकालना है, तो इसमें जो सम दिया हुआ है इसका और इसका दिया है, ठीक है, इज इक्वल टू, आप ऑटो सम भी यूज़ कर सकते हैं, मैं शॉर्टकट बताती हूँ, ऑल्ट इक्वल टू, ठीक है, ऑल्ट इक्वल टू में दोनों को पिक करेगा, D5, C5 एंड D5, ये देखिए दोनों का टोटल पिक हो गया, एंड नाउ ड्रैग इट, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द, इसको पूरा जूम आउट कर लेते हैं थोड़ा, फाइंड द ग्रेड बाय यूजिंग इफ कंडीशन, इफ टोटल इज ग्रेटर देन 60 देन फाइनल ग्रेड इज पास अदरवाइज फेल। ये निकला है टोटल के बेस पर, क्या निकला है, ग्रेड। ग्रेड क्या है, पास और फेल, इन दोनों को मैच करेगा, ठीक है। तो अभी हम इसका जो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ये देखिए, थोड़ा जूम इन कर देती हूँ आपके लिए, इज इक्वल टू, यहाँ इफ़ कंडीशन अप्लाई हो रही है। इफ़ लिखने के बाद आप टैब जरूर प्रेस करिए अगर ब्रैकेट क्रिएट करना है तो, नहीं तो फिर ब्रैकेट शिफ्ट के साथ दबा दीजिए, दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं। अगर ये वाला स्टेटमेंट है जो भी आपका लिखा है, इफ़ दिस इज़ ग्रेटर देन 60, यहाँ परसेंटेज मत लगाना, बिकॉज परसेंटेज अगर मेंशन है इस वाले कॉलम में तभी लगाइए। क्योंकि पीछे मैंने जब उसी परसेंटेज सिखाया था मार्कशीट के लिए तो उसमें भी पास फेल था, कन्फ्यूज़ नहीं होना है दोनों में, ठीक है। यहाँ पे लिखिए पास, कैपिटल स्मॉल जो भी आपको फॉन्ट चाहिए उसके अकॉर्डिंगली लिख सकते हैं। क्लोज किया, अब ब्रैकेट बंद करना है। बिना ब्रैकेट बंद करे भी आप इसको एंटर करोगे तो कंप्यूटर इतना स्मार्ट है वो अपने आपका ब्रैकेट लगा देगा। देखिए मैंने बिना ब्रैकेट बंद करे एंटर किया है, F2 प्रेस किया है, देखिए ब्रैकेट अपने आप लगा दिया। कुछ थोड़ी बहुत मिस्टेक्स नहीं करते हो तो कंप्यूटर उसको कैच कर लेता है। मैंने यहाँ तक किया, ये बोल रहा है कि आपका इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि कुछ भूल गए हो, मैंने लास्ट का ये भी नहीं लगाया तब भी उसने कर दिया। लेकिन बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हो, आगे कभी नहीं लगाते हो, ठीक है, देखते हैं आगे का कैच करता है, ये आगे कभी कर लिया, वो समझदार है, उसने इतना भी कर लिया, बट यहाँ मेंशन नहीं कर रहा, हो सकता है आगे अगर पास फेल में होगा तो शायद आंसर लाने में गड़बड़ करेगा। तो इसलिए आप प्रॉपरली लगाइए, बेस्ट रहता है, आपका आंसर अच्छे से आता है। यहाँ सब में ग्रेटर देन के अकॉर्डिंगली मेरा डेटा फेल का शो नहीं करेगा, तो हम क्या करते हैं कुछ वैल्यूज़ को चेंज कर लेते हैं, क्योंकि हमने जो वैल्यू लिखी है ग्रेटर देन 60 वाला है, और यहाँ हाँ ये लास्ट में आएगा, ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है चेंज करने की, हमारा लास्ट पर लिखा दिया, ठीक है। तो ये 50 से 60 से लेस है तो इसलिए फेल शो कर गया। अभी हम आते हैं इसे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द परफॉर्मेंस इफ कंडीशन प्रोजेक्ट इज ग्रेटर लेस देन 6, तो आपका ये शो कर देगा पुअर अदरवाइज ओके। चलिए हम आते हैं अपने क्वेश्चन पर, कि इसमें
बोला हुआ है प्रोजेक्ट के बेस पर. प्रोजेक्ट अगर आपका लेस देन कितना था, लेस देन 6, तो आपका पुअर आएगा और अदरवाइज ओके. सेम वे इफ़ वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. इफ़ दिस वन इज़ ये ग्रेटर देन होता है एंड ये लेस देन होता है, लेस देन 6, ठीक है, तो हम क्या लगाएंगे, पुअर. एक सैम्पल है, ज़रूरी नहीं है कि आपको बिल्कुल ऐसे ही अप्लाई करना है, आपको फॉर्मूले को समझना है बस. जितना अच्छे से आप चीज़ों को समझेंगे आंसर भी आप उतने अच्छे से निकाल पाएंगे. ये आ गया पुअर और ओके. देखिए लेस देन 6 है तो पुअर आ रहा है. इसको हम थोड़ा जूम आउट करते हैं पूरी शीट दिखाने के लिए. ये देखिए और ये, ठीक है, तो आपका 4 और 5 में पुअर है, बाकी ये ओके शो कर गया है. ओके, नेक्स्ट वन इज़, अभी हम लगाएंगे कंडीशन फॉर्मेटिंग. कंडीशन फॉर्मेटिंग किसमें, पास और फेल वाले कॉलम में. पास को ब्लू करेगा, फेल को रेड करेगा. ये हमने जब आपको मार्कशीट सिखाई थी उसमें भी बताया था कि अगर डेटा एक बार डाल दिया, डालने के बाद उसमें फॉर्मेटिंग लगानी है तो कैसे लगाएंगे, और डेटा अगर चेंज होता है तो फॉर्मेटिंग अपने आप चेंज होगी. तो हम जाते हैं यहाँ पर कंडीशन फॉर्मेटिंग में, ठीक है. ये ऑलरेडी बना हुआ होता है, आप इसको अप्लाई करेंगे तो ये अपने अकॉर्डिंगली डेटा पिक करता है. वैसे तो नंबर्स पे करेगा, लेकिन टेक्स्ट के लिए हमें खुद से रूल क्रिएट करने पड़ते हैं. यहाँ पर हमने क्या करना है, न्यू रूल बनाना है. न्यू रूल में जो सेकंड वाला ऑप्शन है, फॉर्मेट ओनली सेल दैट कंटेंट्स, क्योंकि इसके अकॉर्डिंगली हम डेटा को अपने हिसाब से ग्रेटर दैन, इज इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर दैन, जो भी आप चाहते हो रख सकते हो. अभी हमें रखना इक्वल टू. इक्वल टू अगर मेरा यहाँ पास है, कैपिटल स्मॉल कुछ भी चल जाता है. ज़रूरी नहीं है कि आप वहाँ पास अपने कैपिटल में लिखा है या कुछ भी है, तो उसके हिसाब से होगा. फॉर्मेट पे क्लिक किया, पास वाले को उन्होंने ब्लू बोला है, कलर इज़ द ब्लू. बेस कलर भी रख सकते हैं, ठीक है, और फॉन्ट कलर भी रख सकते हैं. हम बेस कलर रख देते हैं, ब्लू किया एंड देन ओके एंड ओके. ठीक है, ये एक वर्क कर रहा है. अप्लाई करते हैं पीछे का, देखिए पूरा ये वाला पोर्शन ब्लू हो गया और फेल में कुछ नहीं अभी अप्लाई हुआ है. अभी हम इसको एक और रूल अप्लाई कर लेते हैं. दिस वन यहाँ पर इज इक्वल टू किया, यहाँ लिखा फेल, फॉर्मेट पे क्लिक किया, इसमें हमने इसको रेड कर दिया. नाउ ओके ओके अप्लाई, लेट्स चेक. ये देखिए अभी आप बोलेंगे कि ये कलर तो वैसे भी डाल देते, बट अगर हम और भी चेंजेस कर दें, लाइक यहाँ पर हमारा ये इसके बेस पे आ रहा था ना, तो मैं इस वैल्यू को चेंज कर देती हूँ. 74 की जगह मैं इसमें 55 करती हूँ, तो ये आपका देखिए, ठीक है, ये 60 से ऊपर वाले को बोला था, 60 को भी फेल में मेंशन कर रहा है, क्योंकि हमने अगर लिखते 59 तो आपका मैच करता ये, ठीक है. और कोई वैल्यू रख लेते हैं, तो ये जैसे जैसे आप ये चेंजेस करोगे, इसका अफेक्ट इस पर भी पड़ेगा और इसके नेक्स्ट वाले कॉलम पर भी पड़ेगा. तो आप जो भी चेंजेस करोगे वो आगे तक पड़ेगा इसका इफेक्ट. ऐसे नहीं कि 4-6 कॉलम में, तो आप खुद से भी कर लोगे, बट जब क्वांटिटी आपकी हज़ारों लाखों में आपका डेटा वर्क करना पड़ता है तब आपको अच्छा लगता है. एक्सेल में सीखी हुई चीज़ें. मेक ए कमेंट बॉक्स अहमद परफॉर्मेंस, ये आई थिंक नाम चेंज हो रखा है इसमें, अहमद नाम नहीं है. हम नाम अपने अकॉर्डिंग, शायद पहले वाली पुराने टेबल में अहमद रहा होगा, इसका हम नाम चेंज कर लेते हैं, ठीक है. अभी जो अमन है उसमें कमेंट बॉक्स लगाना है. ये हमारा अमन आ गया, इसमें कमेंट हमें यहाँ से आपको हर बार ढूंढना पड़ता है, ठीक है. हमें पता है रिव्यू में होता है, बट अगर आप कंफ्यूज होते हैं तो आपको एक शॉर्टकट बताती हूँ. आप टाइप कीजिए ऑल्ट प्लस क्यू, ठीक है, यहाँ शो नहीं कर रहा है, मैं फिर से टाइप कर देती हूँ आपके लिए. ऑल्ट प्लस क्यू, ठीक है. ऑल्ट प्लस क्यू जब आप टाइप करेंगे, यहाँ टाइप नहीं करना, मतलब शॉर्टकट ट्राई करेंगे, मैं ट्राई करके दिखाती हूँ. और अब तो आपका सर्चिंग मोड ओपन हो जाएगा ऊपर से. ये देखिए सर्च ओपन हो गया ऑल्ट क्यू करते. तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं कमेंट. ये देखिए इंसर्ट ए कमेंट, ठीक है, जो भी आप चाहते हैं आप क्लिक करिए. जहाँ भी सेल है आपका वहाँ पे आपका कमेंट शो कर जाएगा. ये अमन में कमेंट आ गया, ठीक है, दिस इज़ माय कमेंट. ऐसे कुछ भी अपना मैटर लिखिए. ये देखिए आपको यहाँ पे छोटा सा ना रेड वो शो कर रहा होगा ट्रायंगल,
दिख रहा है ना ये वाला पोर्शन ये कॉर्नर पे, तो ये कमेंट शो करता है कि हाँ ये आपका यहाँ पे कमेंट लग चुका है। आप इस कमेंट को चाहे तो वहाँ जाकर डिलीट भी कर सकते हैं, ऐसे डिलीट करना है, एडिट करना है, कुछ चेंजेस करना है, तो ये सारे इसके अंदर ऑप्शंस आपके ओपन हो जाते हैं। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको फाइंड द सेल A90। अब जैसे कि आपको पता है कुछ एक सेल आपने सेट कर रखा है और उसमें आप कुछ ना कुछ डिटेल्स रखते हैं, तो अभी उस सेल तक एग्जैक्टली डायरेक्टली जाने के लिए आपको A90 पे जाना है। स्क्रॉल करते हैं बहुत ज़्यादा नीचे, ये रहा आपका A90, ये तो B हो गया ना A90, ठीक है। मैं इसमें ऐसे टाइप कर देती हूँ हेलो, अभी इसको हम वापस अपने स्क्रीन पर आते हैं। वो मैंने हेलो इसलिए टाइप किया है ताकि आपको हम बता सकें कि फाइंड वही सेल हो रही है या नहीं। कंट्रोल F करेंगे, ठीक है, मैं आपको शॉर्टकट साथ साथ बताती रहती हूँ। आप टाइप करिए कंट्रोल, क्या टाइप हो रहा है, F, ठीक है, ये होता है फाइंड। जब आप ये टाइप करेंगे तो आपका ऐसे फाइंड शो करेगा, ये देखिए, ठीक है। और यहाँ होता है एक रिप्लेस, सॉरी मैंने आपको गो टू का सिखाना था, ये मैंने फाइंड का आपको बता दिया। ये तो फाइंड तो आप पर्टिकुलर किसी एक डेटा को फाइंड करना है उसके लिए होता है। आप कीजिए वापस चलते हैं, जो मैंने फाइंड आपको बताया ना, जैसे मेरे को अमन फाइंड करना है, ये देखिए सेल आपका यहाँ पे आके रुकता है, ठीक है। अमन की जगह रिप्लेसमेंट है वो बाद में सिखाएंगे, अभी मैं आपको सिखाने जो जा रही हूँ वो है कि पर्टिकुलर मुझे सेल में जाना है। तो आप जो इसके लिए टाइप करते हैं, आप करेंगे कंट्रोल प्लस जी, ठीक है, ये होता है गो टू, ठीक है। गो टू मतलब कहाँ जाना चाहते हैं, कंट्रोल जी किया, ठीक है, जी ये करते ही आपके पास इस टाइप से आ गया, रेफरेंस पूछ रहा है, मुझे जाना है A90 में। ओके मैं जूम इन करती हूँ, ये देखिए मैंने A90 टाइप कर दिया, उसके बाद हम इसको जूम आउट करते हैं। ओके किया, ये सेल आपका देखिए अपने आप आ गया A90 में आपका। ओके तो इस तरीके से आप A90 सेल में जा सकते हैं कंट्रोल जी के थ्रू। ये शॉर्टकट ये बनाने में गड़बड़ हो गई है इसमें, कंट्रोल जी है, तभी मेरे को भी कन्फ्यूज़न हो गई थी। कंट्रोल एफ तो फाइंड के लिए हो जाता है ना। अच्छा रिप्लेस करना है इसमें अमन को अमल नाम से, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, अमन लिखा है ये तो हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं मिटा के भी, बट अगर बहुत सारे नंबर से बहुत सारे नाम दिए हुए हैं तो कैसे करेंगे, ठीक है। कंट्रोल एच करिए, शॉर्टकट हम यहाँ पे दिखा देते हैं आपको, कंट्रोल प्लस एच, ये होता है रिप्लेस। ओके अब आपको क्या करना है, कंट्रोल एच प्रेस करना है या कंट्रोल फाइंड प्रेस करके और यहाँ पे भी जा सकते हो, तो एक ही बात है, अमन को अमल में हमने कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। आप जो भी नाम लिखना चाहते हैं रिप्लेस, इसको फाइंड नहीं हुआ है, फाइंड नीचे आया एक तो हाँ रिप्लेस, ठीक है, क्लोज किया, ये देखिए ये आ गया ऑटोमेटिकली AML, आप इसको रीड कर पा रहे हैं। तो इस तरीके से कंट्रोल एच करके रिप्लेस कर सकते हैं। यूज़ हाइपरलिंक ऑन B9 विद एनी वर्ड फाइल, अभी इसको वर्ड फाइल से लिंक कराना है, ठीक है। अभी ऐसे हमने एक ही ले लिया, ये वाले इन्होंने जिसको बोला है B9 को ही बोला है वैसे, तो इस पर क्लिक किया और इसका जो इंसर्ट में जाके एक यहाँ पे हाइपरलिंक होता है ये वाला, ये देखिए इस पर क्लिक करिए, ठीक है। अदरवाइज कंट्रोल के करिए, शॉर्टकट हम आपको बताते रहते हैं साथ साथ, कंट्रोल प्लस के हाइपरलिंक, ठीक है, आप इससे भी कर सकते हैं और कंट्रोल के या फिर वहाँ से। अभी यहाँ कोई वर्ड की फाइल हम चेक कर लेते हैं, जैसे कि हम यहाँ से कोई भी स्टूडेंट ड्राइव का डेटा पिक करके देखते हैं कोई वर्ड की फाइल हमें मिलती है तो। ऑलरेडी
ओके जैसे लाइक ये हम पिक कर लेते हैं फाइल कोई भी, ओके किया, ये ब्लू हो जाता है, ठीक है, ब्लू हो गया, इट मीन्स यहाँ पे लिंक हो गया। हाइपर लिंक का जो यूज़ है हम ऑफलाइन भी कर सकते हैं, ऑनलाइन भी कर सकते हैं। ऑफलाइन किस तरीके से कर सकते हैं, तो आप एक इंडेक्सिंग टाइप यूज़ कर सकते हैं, अपनी एक ही फाइल में सारी अदर फाइल्स का लिंक दे सकते हैं कि एक से दूसरी आपकी ओपन हो रही है, यूज़ कर रहे हैं। और अदरवाइज ऐसा भी कर सकते हैं कि आप इसको ऑनलाइन वेब पेज की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम क्लिक करेंगे तो जो फाइल लिंक की है वो वाली आपकी ओपन हो जाएगी इस तरीके से, ठीक है। और रिमूव करने के लिए राइट क्लिक करके इसमें रिमूव हाइपरलिंक होता है, ये यूज़ कर सकते हो, एडिट करना है, ठीक है, इसके अकॉर्डिंगली। अभी हम चलते हैं ट्रेस प्रेसिडेंट ऑफ टोटल यूज़ ट्रेस डिपेंडेंट ऑफ प्रोजेक्ट। देखिए होता क्या है, ट्रेस प्रेसिडेंट और डिपेंडेंट में दोनों में मैं डिफरेंस समझाती हूँ। टोटल है, टोटल किस किस को पिक कर रहा है, इसको इसको कर रहा है इसलिए, बट अगर कहीं बहुत अलग अलग जगह से पिक कर रहा है और आपको समझ नहीं आ रहा कहाँ से कर रहा है, तो इसमें एक ये आपको फार्मूला भी दिख रहा है, फार्मूले को भी समझना पड़ेगा, टाइम लगेगा। इट्स बेटर आपको एक ऑप्शन दिया होता है इसमें, ये आपका यहाँ पर हम फार्मूलास में होगा, ये रहा, ये देखिए, ठीक है। ट्रेस प्रेसिडेंट होता है, डिपेंडेंट होता है। जो फर्स्ट वाला है प्रेसिडेंट, इस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद देखिए आपका ये ऐसे एरो शो करेगा, ठीक है, एरो मेंशन कर रहा है कि आपका ये इसको और इसको टोटल को पिक कर रहा है। और जो इसे नेक्स्ट ऑप्शन है ट्रेस डिपेंडेंट, उसके लिए कर्सर आपका यहाँ होना चाहिए और फिर इस पर क्लिक करेंगे, वो कहेगा कि आपका ये इसके अंदर जा रहा है, ठीक है। अभी जैसे मैं इसका एवरेज निकाल के दिखाती हूँ, आपको वो चीज़ अच्छे से सब समझ में आएगी। नॉर्मली एवरेज ये पिक किया, एवरेज इक्वल टू ठीक है। अभी इसको ऑन ऑफ करके दिखाती हूँ, इसको हम रिमूव किया, वापस लगा के दिखाएंगे। ये देखिए एरो आके ना दो चुके यहाँ भी और यहाँ भी, मतलब ये सेल आपकी अगर चेंज होती है तो इसका इफेक्ट इस वाले टोटल पर और इस एवरेज पर पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, और इसे लास्ट क्वेश्चन, हाँ ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन कवर हो गए हैं। अभी एवरेज इस टाइप से निकाल के आप निकाल सकते हैं, हाईएस्ट का मतलब होता है मैक्सिमम, मैक्सिमम निकालिए, इस पूरे सेल में से मैक्सिमम वैल्यू पिक कर देगा। मिनिमम के लिए, लोएस्ट के लिए मिनिमम कर सकते हैं। ये छोटे छोटे जो क्वेश्चन है बार बार रिवीजन इसलिए करा रहे हैं ताकि आप उनको याद रख सकें, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत ईजी है वैसे तो। और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट के लिए काउंट आएगा, काउंट यूज़ कर सकते हैं इस टाइप से, ठीक है। बाकी इस पूरे डेटा को आप चाहे तो ऐसे ड्रैग करके यूज़ कर सकते हैं, बहुत इजीली आपका वर्क होगा, ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है। बाकी आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिए, जितनी भी एक्सरसाइज आपको कराई जा रही है सभी एक्सरसाइज को बहुत ही अच्छे से फार्मूले इसको समझ के करिए, ठीक है। आपका डेटा थोड़ा सा इधर उधर हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपका जो फार्मूलेज है वो अच्छे से अप्लाई होने चाहिए, ठीक है। सेटिंग वगैरह तो आप धीरे धीरे सीख ही जाएंगे। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, जितनी भी एक्सरसाइज आगे पीछे की सब देखिए, सीक्वेंस से देखिए ताकि आपको पूरा अच्छे से समझ में आए। थैंक यू अगेन।